हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है हमारे जनरल अवेयरनेस सेक्शन का किसी भी एग्जाम के लिए, ओके, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल और हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इनमें से आते ही हैं। बट गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी हैं, बहुत ही सारी स्कीम्स हैं, छोटी बड़ी इतनी सारी स्कीम्स हैं कि आप अगर इंटरनेट पे सर्च भी करोगे तो आपको सारी स्कीम्स एक जगह पर नहीं मिल पाएंगी। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि आप सारी स्कीम्स करें, और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट भी नहीं है। स्कीम्स वही इंपॉर्टेंट है जो रेलिवेंट है, जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मिंग स्कीम्स हैं और जिनसे काफी फायदा हुआ है जनता को, और या फिर जो रीसेंट स्कीम्स हैं। तो इस वीडियो में हमने वही कुछ स्कीम्स लेकर आए, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, रेलिवेंट स्कीम्स, मेनली बैंकिंग एग्जाम्स और ईएसआईसी यूडीसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना जो है, ये एक पेंशन स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए। पेंशन स्कीम हमेशा सीनियर सिटीजन्स के लिए ही नॉर्मली होगी, आपकी एज 60 ईयर्स एंड अबव। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ये जो स्कीम है, इट प्रोवाइड्स एन एश्योर्ड रिटर्न ऑफ 8% पर एनम पेएबल मंथली, क्योंकि पेंशन आपकी मंथली पेंशन होगी, इक्विवेलेंट 8.3% पर एनम जब आपके टैक्स बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलेंगे उसके बाद। सो 10 साल इस पॉलिसी का टर्म है, ठीक है, 10 साल इस पॉलिसी का टर्म है, और उसके बाद आपको ये जो पॉलिसी, इसके जो पैसे हैं वो मिलेंगे एज अ पेंशन। लोन अप टू 75% ऑफ परचेज प्राइस शैल बी अलाउड आफ्टर 3 पॉलिसी ईयर्स। तो कुछ भी अगर आपको अर्जेंसी में नीड पड़ जाती है, कोई बीमारी है या कुछ भी है या कुछ और आपके घर की चीजें हैं, तो आप इस पर लोन भी अवेल कर सकते हैं 75% ऑफ द परचेज प्राइस। तो इसमें ये जो स्कीम्स जो होते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपको एक तो क्या पर्पस है उस स्कीम्स का, स्कीम का वो याद रखना है, उसके अलावा जो कुछ उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि एक पेंशन स्कीम जो होती है उसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, और उसके कुछ स्पेशल फीचर्स। नाउ पेंशन स्कीम में ऑब्वियसली ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन कितनी है। तो मिनिमम 1,000 रुपये, मैक्सिमम 10,000 रुपये। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्कीम जो आजकल काफी चर्चा में है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतनी कॉमन भी नहीं है, वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस फॉर सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी। बीपीएल कैटेगरी कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है, सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू बीपीएल कैटेगरी, हर किसी सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। इसमें क्या इसका ऑब्जेक्टिव है स्कीम का, कि जो भी सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें फिजिकल एड की या असिस्टेड लिविंग डिवाइसेस की जरूरत है, जैसे आपके हियरिंग में प्रॉब्लम है तो हियरिंग एड आपको चाहिए, राइट, आपका लॉस ऑफ टीथ है उसमें जो भी आपको ट्रीटमेंट चाहिए, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लो विजन है उसमें आपको कुछ हार्डवेयर चाहिए, कुछ स्पेशल ग्लासेस चाहिए या कुछ और चाहिए, तो वो आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय आर्टिफिशियल लिम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, अलिम्को, ये आप याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर आता है ये। थर्ड इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत ही पॉपुलर स्कीम है, सबको पता है। इसका ऑब्जेक्टिव है एलपीजी कनेक्शंस बीपीएल हाउसहोल्ड के लिए देना, वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये आपको याद होगा। बट इसमें जो क्वेश्चन एक बन सकता है वो है इस पॉइंट में से कि किस ईयर में ये लॉन्च हुआ था। लॉन्च्ड ऑन 1st May 2016 फ्रॉम बलिया डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। तो ये डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है और ये ईयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट नहीं पूछेंगे, ईयर पूछेंगे। द एम ऑफ द स्कीम इज टू रिप्लेस अनक्लीन एंड अनहेल्दी कुकिंग। तो अभी तक काउ डंग होता था या फायरवुड जलाते थे लोग, या फिर कई जगहों पे पेपर जलाकर भी पकाते थे और चीजें जलाकर, तो बहुत ही अनक्लीन होता था, एक एयर पॉल्यूशन उससे होता था, तो जिससे डिजीज बढ़ते थे। और जो बीपीएल हाउस होल्ड्स होते थे उसमें लेडीज की जो खाना बनाती थी और जो यंग यूथ लोग, जो किड्स होते थे, उन लोगों की एक तरीके से आप देखिए तो फिजिकल सक्षमता थोड़ी कम होती है इन सब चीजों की वजह से। तो ये ऑब्जेक्टिव था इस चीज को हटाना, इस चीज को अवॉइड करना। मोर देन 6 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर द स्कीम।
The identification of BPL families is in consultation with state and UT union territory governments. तो ये स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, कई जगहों पे इसे स्टडी किया गया है और बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है ये मोदी सरकार की। आयुष्मान भारत प्रोग्राम वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम जन आरोग्य प्रोग्राम की जो इसका ऑफिशियल नाम है उससे जाना जाता है, मोदी केयर भी कहते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर, आयुष्मान से ही आप पहचान सकते हैं, ये हेल्थ से रिलेटेड टर्म है तो ये इम्प्रूव करने का। अब इसमें क्या है कि ये तो एक अम्ब्रेला टर्म है, इसमें दो स्कीम आती है, तो हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स 1200 करोड़ एलोकेट किए गए थे उसमें 2018 बजट में, ओके, सो फॉर ट्रीटिंग नॉन कम्युनिटी टू सेटअप हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर, सो कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर्स बनाने के लिए जिसमें आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर तो हो गई होगा, फ्री ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन होता है, मेडिसिन को भी ड्रग्स कहते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम कवर 10 करोड़ पीपल टू वल्नरेबल फैमिलीज एंड प्रोवाइड अप टू 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। डॉक्टर इंदुभूषण लेटेस्ट सीईओ, आप एक बार फिर से इसे चेक कर सकते हो। सोलर चरखा मिशन, इसका एम इंपॉर्टेंट है, द एम ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू पेनिट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ एंड Women, okay, plans for sustainable development through solar चरखा cluster in rural areas. तो rural areas के लिए ही ये स्कीम है और इसका जो main objective है generation of employment in youth and women, obviously. Okay, it aims at boosting rural economy और rural economy को boost करने का एक purpose ये भी होता है कि migration check हो, रूरल से अर्बन की तरफ लोग ना भागें क्योंकि अर्बन एरियाज में जो एग्लोमरेशन जो सिटीज हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है और एक इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसे भी हमें रोकना है। दिस स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ एमएसएमई मिनिस्ट्री, ठीक है, एमएसएमई मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इन 2018, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट हैज अप्रूव 550 करोड़ फॉर द सब्सिडी ऑफ सोलर क्लस्टर्स। नाउ मिशन इंद्रधनुष, इसका आपको मिशन इंद्रधनुष का तो आपको एम अगर आप चलाएंगे और ईयर वो सफिशिएंट है, ठीक है। हेल्थ केयर स्कीम है लॉन्च्ड इन 2014, इट एम्स टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 2 इयर्स एज वेल एज प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये पॉइंट ही अगर आप कर लोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। इनिशियली 7 डिजीज इसमें कवर किए गए थे, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, इनकी वैक्सीनेशन भी दी जाती है और 2016-17 में कुछ और आपके जो डिसीज थे वो ऐड कर दिए गए थे। इसके बाद सुगम्य भारत अभियान, अगर आपको सुगम्य का मीनिंग पता है तो आप इस स्कीम का एम तो बता ही दोगे। एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन भी इसे कहते हैं, एम टू सर्व डिफरेंटली एबल्ड कम्युनिटी, डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से नॉर्मल फंक्शनिंग कोई भी बॉडी पार्ट नहीं कर पाता है, चलने में प्रॉब्लम है या फिर देखने में प्रॉब्लम है या हाथों से पूरे फंक्शन नहीं कर पाते, तो डिफरेंटली एबल्ड, लॉन्च्ड ऑन 3rd December 2015, लॉन्च ईयर इज 2015, तो 3rd December ये आपको याद रखना है। इसमें इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये डे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पोषण अभियान, पोषण अभियान नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इससे इनसे क्या होता है, अगर आपको ये जैसे वर्ड्स वगैरह पता है, इनसे अगर 4 ऑप्शन है और आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो एटलीस्ट 4 से आप 2 पे पहुंच जाओगे अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के। पोषण की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर्स ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दिस स्कीम कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, launched in Junjunu, Haryana in 2018. The aim of this scheme is to ensure holistic development and sufficient nutrition. Poshan is nutrition for children, mothers and pregnant women. Phir Gobar Dhan Yojana, galvanizing organic bio-agro resources. This scheme is being implemented as a part of Swachh Bharat Abhiyan Grameen. Ye yaad rakhna hai, Swachh Bharat Abhiyan Grameen ke liye. Toh, gobar se agar hum dekhe, dung hota hai, ठीक है, वो एज अ फ्यूल भी यूज हो सकता है, एज अ फर्टिलाइजर भी यूज हो सकता है। तो यहाँ से एक चीज निकल के आती है कि हाँ, रूरल इंडिया की बात तो चल रही है, राइट। तो स्वच्छ भारत मिशन ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री विलेजेस, मैनेज सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट इन विलेजेस, दिस स्कीम एम्स एट क्लीनलीनेस एट विलेज लेवल एंड टू क्रिएट एनर्जी एंड अदर यूटिलिटीज फ्रॉम
कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट लॉन्च्ड इन 2018 अगेन ईयर इज इम्पॉर्टेंट. फिर नेशनल बंबू मिशन एम्स टू हार्नेस इमेंस पोटेंशियल ऑफ बंबू. इट कम्स अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ओके सो ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ बंबू सेक्टर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कवरेज अंडर बैम्बू कल्टिवेशन टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ बैम्बू प्रोडक्ट्स सच एज हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर. तो ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए है नेशनल बैम्बू मिशन. उड़ान सबको पता है अपनी उड़ने के उड़ान से हमें समझ में आ रहा है उड़ने से मतलब कि सिविल एविएशन सेक्टर से है प्लेन्स वगैरह से लेकर है. तो उड़ान की फुल फॉर्म उड़े देश का आम नागरिक. इट इज अ रीजनल कनेक्टिविटी. तो जो अनसर्व्ड और मिनिमल सर्व्ड एयरपोर्ट्स जो जैसे बहुत कई सारी सिटीज में है बट उनमें प्लेन्स वगैरह नहीं आते हैं या फिर कभी पहले एयरपोर्ट्स बनाए गए थे लेकिन अब वहाँ पे बिल्कुल कनेक्टिविटी नहीं है, तो उन्हें जोड़ने के लिए तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ये स्कीम है. द एम इज टू डेवलप रीजनल एयरपोर्ट्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सो एज टू मेक एयर ट्रेवल अफोर्डेबल. तो गवर्नमेंट ने कुछ कैप भी लगा रखी है, तो जो टिकट्स हैं एयर टिकट्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइसिंग से ज़्यादा नहीं हो सकते जिससे कि बढ़ावा मिल सके इस मोड ऑफ ट्रैवल को. टू इम्प्रूव इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो अगर जो छोटी सिटीज हैं सपोज करिए देहरादून है या फिर कर्नाटक में अगर हमारे बेलगांव में भी एक एयरपोर्ट है तो वहाँ पे अगर आप बैंगलोर टू बेलगांव विद इन एन आवर या एक घंटे में पहुंच सकते हो तो आप ये सोचिए कि कितना आपका टाइम सेव होगा और इनडायरेक्टली इससे बिजनेस भी बढ़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा. दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016. देन हृदय स्कीम स्टैंड्स फॉर नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना लॉन्च्ड इन 2015. द एम इज टू ब्रिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन. बेसिकली हेरिटेज कंजर्वेशन इन एन इंक्लूसिव मैनर टू प्रिजर्व हेरिटेज ऑफ सिटी. इसका बजट एलोकेशन है 12 सिटीज को आइडेंटिफाई किया गया था फॉर डेवलपमेंट. ठीक है फॉर कल्चरल डेवलपमेंट जहाँ तो ये जो सिटीज होंगी आप देखिए इसमें सारी कल्चरली रिच सिटीज होंगी. अजमेर है जहाँ पे अब अजमेर की दरगाह है थोड़ा मुगल इन्फ्लुएंस है और आपका राजपूत इन्फ्लुएंस भी है. फिर आपका अमरावती हो गया अमृतसर हो गया बादामी द्वारका तो ये सब सिटीज इसमें है. फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ स्कीम देख लेते हैं. पीएम सुरक्षा बीमा योजना. सुरक्षा बीमा योजना इज एक्सीडेंटल डेथ कम डिसेबिलिटी कवर. तो बेसिकली ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है. प्रीमियम इसका 12 रुपये. ये आपको प्रीमियम याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है. एलिजिबिलिटी 18 to 70 years. द स्कीम प्रोवाइड्स अ कवर ऑफ 2 lakh फॉर एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी एंड 1 lakh फॉर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी. उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है. फसल बीमा क्रॉप इंश्योरेंस लॉन्च इन 2016. ठीक है रिड्यूस द लॉस ऑफ फार्मर्स क्रॉप्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज. सारी तरीके की रबी खरीफ कॉमर्शियल जायद क्रॉप्स इसमें इंक्लूडेड है. प्रीमियम फॉर खरीफ क्रॉप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये 3 पॉइंट आप याद रखना. खरीफ क्रॉप के लिए जो प्रीमियम जो फार्मर को देना 2% ऑफ टोटल प्रीमियम. रबी के केस में 1.5% और आपका कॉमर्शियल के केस में 5%. रिमेनिंग प्रीमियम टू बी बॉर्न बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड एक्सेसिबल अफोर्डेबल हेल्थ केयर टू कॉमन मैन लॉन्च एज अ स्कीम इन 2018 अंडर आयुष्मान योजना. तो ऑलरेडी हम कवर इसे कर चुके हैं जन आरोग्य योजना को. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी हम कवर कर चुके हैं. फिर आपकी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना. दिस इज अ लाइफ इंश्योरेंस स्कीम. ठीक है वो आपकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम थी. ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है. अवेलेबल टू पीपल अंडर द इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 50 years. और इसका प्रीमियम 330 rupees पर एनम. उसका 12 रुपये था. रिस्क कवरेज 2 lakh इन केस ऑफ डेथ फॉर एनी रीजन. लॉन्च इन 2015. तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना सुरक्षा बीमा योजना दोनों एक ही साल में लॉन्च हुई थी. ठीक है फिर आपकी आती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. इंपॉर्टेंट है पुरानी स्कीम है. इंश्योरेंस और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. 1884 में इंट्रोड्यूस हुई थी. इट स्टार्टेड एज अ वेलफेयर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज. सो पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के लिए एक इंटरनल स्कीम ये लॉन्च हुई थी बट काफी पॉपुलर रही बहुत सक्सेसफुल भी रही. तो इसे फिर टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के लिए भी बढ़ा दिया गया 1888 में. तो तब तो ब्रिटिशर्स का जमाना था. तो ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरर अभी जो एक्टिव है उनमें से ये है. इट नाउ कवर्स एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं. सेंट्रल एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑब्वियसली जो बैंक्स वगैरह हैं वो भी उठा सकते हैं. तो सब लोग उठा सकते हैं
वैसे भी ये बहुत अच्छी स्कीम है, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलता है अगर आप सेविंग स्कीम वगैरह इसमें डालते हो तो। इसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। रूरल पोस्टल इंश्योरेंस, तो ये रूरल सेक्टर के लिए, द रिकमेंडेशन ऑफ ऑफिशियल कमिटी फॉर रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर, तो आरएन मल्होत्रा कमिटी की रिकमेंडेशन पे इसे रूरल एरियाज में एक्सटेंड कर दिया गया था थ्रू पोस्ट ऑफिसेस, क्योंकि पोस्टल इंश्योरेंस है। संपूर्ण ग्राम बीमा ग्राम योजना, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज टू पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो लाइफ इंश्योरेंस को रूरल एरियाज में थोड़ा पेनेट्रेट करने के लिए स्कीम लाई गई थी, ठीक है। एटलीस्ट वन विलेज हैविंग 100 हाउसहोल्ड्स टू बी आइडेंटिफाइड इन ईच रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट वेयर एन एंडेवर टू विल बी मेड टू कवर ऑल हाउसहोल्ड्स दैट आइडेंटिफाई मिनिमम वन आरपीएलआई पॉलिसी। तो ये बस आपको पहली लाइफ लाइन भी अगर आप याद कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थी, और आप अगर इन्हें एक बार भी पढ़ लेंगे या वीडियो देख लेंगे तो आपका हो जाएगा याद, आपको रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।